हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो प्यारे मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले मंगल शुक्र और शनि के योग पर। मंगल शुक्र और शनि की युति जब हमारे हॉरोस्कोप में हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, उनके हॉरोस्कोप में किस तरह के फल ये दे सकते हैं, तीनों ग्रह मिल करके युति बना करके, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और बेल आइकन के बटन को यहाँ प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको पहुंच सके सबसे पहले। तो आइए करते हैं स्टार्ट इस पॉइंट को। दोस्तों, यहाँ पर शास्त्र कहता है मंगल शुक्र और शनि के युति योग पर क्या फल देता है। जिनकी भी हॉरोस्कोप में ये मंगल शुक्र और शनि की युति बनी हुई है, उनके लिए क्या फल है, शास्त्र इंडिकेट करता है। तो आइए जानते हैं शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र का श्लोक, भृगुमंद कुजेर योगे दुशीलाया पति शुभ प्रवास शिलो दुखी चा जातको जायते नरः। मंगल शुक्र और शनि के योग से मित्रों, तीनों ग्रह एक साथ जब होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का चरित्र थोड़ा जो है दुष्चरित्र हो जाता है। चरित्र थोड़ा सा, चरित्र का मतलब आप समझते हैं, तो चरित्र जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है किसी स्त्री के कारण, या स्त्री की कुंडली है तो पुरुष के कारण जो यहाँ पर चरित्र जो है खराब होने की आशंका बनी रहती है। तो आप जो है बी केयरफुली। प्रपंच स्वयं उत्तम स्वभाव वाला होता है, दूसरों के प्रति प्रपंच, अनेक प्रकार के प्रपंच रचने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और वो जो है काफ़ी सारी परेशानी अपने लिए जीवन में खड़ी कर सकता है। परदेशी, परदेश में वास करने वाला, और परदेश में वास तो करता है, धन धान्य भी कमाता है, जीवन में अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं का भी भोगी होता है, लेकिन मन से अपने परिवारजनों के लिए, मन से अपने मित्रों के लिए काफ़ी दुखी होता है। तो ये मंगल शुक्र और शनि का योग युति का फल था जो मैं आपको शॉर्ट में बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा।